everyone, this is Sanjeev from Jayoti Academy. Today I am going to explain chapter 5, combustion and fossil fuel subject, science class 8, topic fuel. क्या है fuel? ऐसे सबस्टांस जिनको जलाने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग फ्यूल कहते हैं. फ्यूल के प्रकार हैं सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल. ये 3 टाइप्स हैं फ्यूल के. सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है. जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, उनको हम लोग सॉलिड फ्यूल कहते हैं. जैसे कि वुड, चारकोल, काउडंग, कोल, काउडंग केक, वट एवर इट इज. एंड लिक्विड फ्यूल, ऐसे फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लिक्विड फ्यूल. जैसे कि केरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? ये लिक्विड फ्यूल हैं. गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में रहते हैं, उनको हम लोग गैसियस फ्यूल कह रहे हैं. जैसे कि एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. बायोगैस, ये क्या है? ये हमारे गैसियस फ्यूल हैं. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है कैलोरीफिक वैल्यू है. कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जब हम लोग 1 ग्राम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो वो कितने किलो जूल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, कितने किलो जूल हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है किलो जूल पर ग्राम. मींस 1 ग्राम किसी फ्यूल को जलाने पर कितने किलो जूल प्रोड्यूस होता है, तो वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है. और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर, किलो जूल पर ग्राम. कुछ फ्यूल को हमने कैटेगराइज किया है, कुछ टेबल बनाई है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है. जैसे कि पहला कोयला, कोयला की जो कैलोरीफिक वैल्यू है 25 से 33 है. एलपीजी जो सिलेंडर वाली गैस होती है, उसका 50 किलो जूल पर ग्राम है. काउडंग केक, जिसको हम लोग गोबर के कंडे कहते हैं, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि 7 है, 7 किलो जूल पर ग्राम. कोक 33 है. केरोसिन ऑयल का 48 किलो जूल पर ग्राम है. पेट्रोल का 47 है. और जो सबसे अच्छा फ्यूल है, जो गैसियस फ्यूल है, इसका नाम है हाइड्रोजन. उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 150 किलो जूल पर ग्राम. मींस 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर 150 किलो जूल हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है. तो ये जो है कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी फ्यूल के लिए. सेकंड प्रॉपर्टी है इग्निशन टेम्परेचर शुड लो बट अबव रूम टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, उस फ्यूल का, उस सबस्टांस का. इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, लेकिन जो रूम टेम्परेचर है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए. इट शुड हैव मॉडरेट रेट ऑफ कम्बशन. रेट ऑफ कम्बशन है जो जलने की दर है वो मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना एक कम होनी चाहिए. इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजी अवेलेबल. फ्यूल हो वो सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो फ्यूल होना चाहिए. इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. फ्यूल को हैंडल करना सेफ होना चाहिए, ईजीली उसको हम लोग हैंडल कर सकें, उसको ईजीली स्टोर कर सकें, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करने में कोई तकलीफ ना हो, इस तरीके के हमारा फ्यूल होना चाहिए. इट शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन. फ्यूल हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि पॉल्यूशन कॉज ना करे. अगर पॉल्यूशन कॉज करेगा तो वो फ्यूल हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर नहीं होगा. तो हमें ऐसे फ्यूल का सिलेक्शन करना है जो कि इको फ्रेंडली हो, वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज ना करे. इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल पढ़े, टाइप्स ऑफ फ्यूल था, फ्यूल क्या है ये पढ़ा हम लोगों ने.
आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।